हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टिकटॉक साइंस विद अजय सिंह सर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी एक विशेष सिस्टम के द्वारा होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी कि संगठन जो भी हमारी बॉडी का है उसको करवाने के लिए किसी विशेष सिस्टम की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी हमारे बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए हम धूप में जा रहे हैं तो हमारी स्किन जलने लगेगी, और स्किन जलेगी तो वो तुरंत मैसेज करेगी ब्रेन को कि देखो सर, आपके राज में मैं जल रही हूँ। तो ब्रेन वापस मैसेज डालता है पाँवों को और आँखों को कि देखो कोई छायादार पेड़ या कोई बिल्डिंग है ऐसी जिसको यहाँ ले जाया जा सके इसको। तो उसके निर्देशों के अनुसार आँखें ढूंढती हैं और पाँव उसको ले जाते हैं। पाँव और आँखें दोनों साथ साथ चलते हैं, यूनिक आँखें वहाँ जा रही, आदमी यहाँ जा रहा, गिर जाएगा वो। इस वजह से जैसे वो छाया में पहुँचता है उसको रिलीफ मिलती है, रिलीफ मिलने के बाद वो तुरंत बोलती है थैंक यू सर, किसको? ब्रेन को। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको करवाने के लिए नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और हार्मोन सिस्टम जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो दोनों सिस्टम बहुत काम के आते हैं। तो दोस्तों, जो हार्मोन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, ये हार्मोन्स किस प्रकार से हमारे काम करते हैं, क्या होते हैं, इसका एक ब्रीफ आपको टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं। हालांकि ये टॉपिक बड़ा है, इसको मैं दो या तीन खंडों में डालूंगा। तो आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं जो कि है ग्लैंड्स यानी हार्मोन सिस्टम का पहला पोर्शन, जिसको हम ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसका हम जानकारी लेते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड यानी ग्रंथि, यानी ग्रंथि, ग्रंथि क्या चीज है? ये हमारे शरीर में कोशिकाओं का समूह है जो विशेष प्रकार के सीक्रेशन को निकालती है, यानी कोशिकाओं का वह समूह जिसमें से विशेष पदार्थ स्रावित होते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल विच सीक्रेट द स्पेशल काइंड ऑफ सीक्रेशन इज नॉन एज ग्लैंड। और ग्रंथियां जो हैं तीन प्रकार की होती हैं, ग्लैंड तीन प्रकार की होती है। पहली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरी होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाहरी स्रावी ग्रंथियां, बाहरी स्रावी ग्रंथियां। और इन तीनों के बीच में जो इनका मिक्सचर रूप है वो बोलती है मिक्स ग्लैंड। इन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियां। ये तीन ग्रंथियां हमारे पास में है दोस्तों। पहली है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इन दोनों का मिला जुला जो रूप है उसको कहते हैं मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियां। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या चीज है। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दोस्तों, इसमें मान लो ये शरीर का कोई अंग है और ये वो ग्रंथि है जिसमें से वो सीक्रेशन निकलेगा। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की नलिका नहीं है, नलिका बोले तो डक्ट नहीं है, कोई भी पाइप जैसी संरचना नहीं है जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ती हो और इसका सीक्रेशन जो ग्रंथि का है वो अंग में लेकर के आती हो, ऑर्गन में लेकर के आती हो। यानी ऑर्गन और ग्लैंड के बीच में किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, कोई भी प्रकार का सीधा कनेक्शन इनके बीच में नहीं होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी पदार्थ निकलता है, जो सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। इनसे निकलने वाला जो सीक्रेशन है वो क्या कहलाता है? आपका हार्मोन्स कहलाता है। और हार्मोन्स सीधा ब्लड के रास्ते बॉडी के अनेक हिस्सों में फैलता है, यानी ब्लड की सहायता से हार्मोन हमारे बॉडी के हर हिस्से में फैलता है जहां इसकी जरूरत होती है, जिसको हम अगली एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे एक एक करके। और दूसरी ग्लैंड वो होती है दोस्तों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, यानी इसके बीच में जो अंग है, ऑर्गन है, और जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, इनके बीच में नलिका यानी डक्ट पाई जाती है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है और सीधे
उस ग्लैंड के सिक्रेशन सीधे उस ऑर्गन की तरफ चले जाते हैं और इससे जो निकलने वाला सिक्रेशन होता है वो होता है आपका एंजाइम्स, वो होता है एंजाइम्स। क्या होता है? एंजाइम। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स और हार्मोन की ब्रीफ जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा जो इसी का एक पार्ट होगा। और इनके इनके मिक्सचर जो रूप है वो मिक्स रूप जो है उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। यानी ये दोनों ग्रंथियों का जो मिक्सचर है वो ये है, एक ऐसी ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं और एक्सोक्राइन ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं। और वो ग्रंथि आपकी खास तौर पे एक पॉपुलर है पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। ये ऐसी ग्रंथि है जिसमें 98% एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और 2% करती है एंडोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से काम करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि में रखा गया है। इसके जैसी आपके टेस्टिकल्स यानी वृषण और आपके अंडाशय जो कि ओवरीज होती है वो भी आपकी मिश्रित ग्रंथियों के अंदर आती है। तो दोस्तों ग्रंथि वह चीज है जो कोशिकाओं का समूह है और जो विशेष प्रकार के एक सीक्रेशन को एक लिक्विड को स्रावित करती है और उसको क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहली है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका जो सीक्रेशन होता है इसमें से जो सीक्रेशन निकलता है उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहा जाता है। और हार्मोन्स हमारी बॉडी में ब्लड की सहायता से फैलते हैं जहां पर उसका काम होता है। प्लस अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिसमें अंग और ग्रंथि के बीच में, ऑर्गन और ग्लैंड के बीच में किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, नलिका नहीं पाई जाती, इसीलिए इसके फैलने का मुख्य साधन क्या है? ब्लड है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। और इसी के अंदर लौह धातु पाई जाती है जो कई एग्जामों में पूछा भी जाता है। दूसरी ग्रंथि है दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाहरी स्रावी ग्रंथि, और बाहरी स्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जिसके अंदर ग्रंथि और अंग के बीच में, ग्लैंड और ऑर्गन के बीच में किसी प्रकार की नलिका पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जाती है और इसमें पाई जाती है। और इससे जो लिक्विड या जो सीक्रेशन होता है जो स्रावित होती है वस्तुएं पदार्थ उसको क्या कहा जाता है? एंजाइम्स कहा जाता है। और शुद्ध रूप से जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं और हार्मोन जो है किसके बने होते हैं मैं आपको अगले वीडियो में इनका वापस डिटेल में समझाऊंगा। प्लस इन दोनों का जो मिक्सचर रूप है जो मिक्स काम करती है उसको बोलते हैं मिक्स ग्रंथियां यानी मिश्रित ग्रंथियां। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय में 98% एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाहरी स्रावी ग्रंथियों का काम होता है और 2% एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम होता है। तो ये दोनों का काम करती है, इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। अंडाशय और वृषण ये भी दोनों ग्रंथियां जो हैं मिक्स ग्रंथि का काम करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको हॉर्मोन्स एंजाइम्स प्लस आपको फेरामोन्स के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।